हनुमान जी की 12 अद्भुत कहानियाँ जो आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूँ। तो उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये रहा आप लोगों के बीच हनुमान जी की अद्भुत कहानियाँ। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जिनमें उनके बल पराक्रम, बुद्धि चातुर्य और असामान्य साहस वृत्ति का परिचय मिलता है। भगवान शिव के अंश हनुमान अमरजर बताए गए हैं। कलयुग में इनकी पूजा अर्चना त्वरित फलदायक बताई गई है। वायुदेव, पवन पुत्र और मां अंजनी के पुत्र हनुमान बाल्यकाल में अत्यंत शरारती देखा जाता है कि अंजना एक अप्सरा थी और किसी अपराध वश उन्हें ऋषि दुर्वासा से शाप मिला। इसी के फल स्वरूप उनका जन्म वानर कुल में हुआ। वे गिरज की पुत्री बनी और उनका विवाह केसरी से हुआ, इसीलिए बंजरंग भी केसरी नंदन कहे जाते हैं। राम भक्त हनुमान ब्रह्मचारी हैं, अमर हैं और इनके भक्तों को भय, निराशा, ग्रह पीड़ा, दारिद्र और संकट से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी से जुड़ी अद्भुत कहानियाँ प्रस्तुत है। दिव्य फल से हनुमान जन्मांजनामा को पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। उसी काल में अयोध्या के राजा दशरथ भी पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा रहे थे, जिनमें से उत्पन्न हुए फल को 3 रानियों ने खाया, लेकिन यज्ञोत्पत्ति से निकला एक फल पक्षी ले उड़ा। उसने वह फल एक पर्वत पर गिरा दिया, जहां अंजनामा भ्रमण कर रही थी। महादेव की प्रेरणा से उन्होंने उस फल को खाया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इसी कारण बजरंगबली भरत सम भाई कहे जाते हैं। पुत्र पर वार से पवन देव का क्रोध भूख लगने पर एक बार बाल हनुमान सूर्य को फल समझ बैठे और उसे निगलने उड़ चले। तब राहु ने इंद्र से सहायता मांगी, देवेंद्र ने बाल हनुमान के विराट स्वरूप पर प्रहार किया और वह मूर्छित होकर धरा पर आ गिरे। इस बात का पता जब पवन देव को चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने पूरी सृष्टि का वायुचक्र बाधित कर दिया। इस कारण सभी जीवों का दम घुटने लगा, जिसके बाद उन्हें समझा बुझाकर मनाया गया और समस्त जीवों ने राहत की सांस ली। हनुमान जी अपनी शक्तियाँ क्यों भूल गए? बालक हनुमान अत्यंत शरारती थे। वह किसी भी बाग बगीचे में घुसकर उत्पात मचाते और फल खा लेते। शिव के अंश हनुमान को गदा कुबेर से मिली। इसके अलावा उन्हें कई देवताओं से दिव्यास्त्र और विद्याएं प्राप्त थी। उत्सुकता और चंचलता वश बाल हनुमान ऋषियों को खूब सताते। कभी वह उनकी लंगोट फाड़ देते तो कभी कमंडल का पानी गिराकर भाग जाते। एक बार अंगिरा और भृंग वंश के ऋषि तपस्या कर रहे थे, तब हनुमान ने उन्हें भी सताया। इसके फल स्वरूप उन्हें सारी शक्तियाँ भूल जाने का शाप मिला। फिर आगे चलकर माँ सीता की खोज के अभियान के दौरान याद दिलाने पर उन्हें सारी शक्तियाँ वापस प्राप्त हो गईं। हनुमान और उनके पुत्र मकरध्वज की गाथा भी हनुमान ब्रह्मचारी हैं, लेकिन रावण राम युद्ध के समय हनुमान का सामना पाताल लोक में मकरध्वज से हुआ। वह खुद को हनुमान पुत्र बता रहा था, जिससे बजरंग बली क्रोधित हुए। परंतु जब मकरध्वज ने तर्क दिया तो हनुमान जी उनकी बात से संतुष्ट हो गए। तर्क यह था कि पूर्व काल में हनुमान जब लंका दहन कर समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तब उनके शरीर का तापमान प्रचंड रूप से गर्म था। वह पसीने से तरबतर थे। उनके बदन से टपका पसीना एक मादा मगरमच्छ के मुंह में गिरा, उसी से मकरध्वज उत्पन्न हुआ। मृत्यु दंड पाने के बाद भी हनुमान को राम जी मार न सके। नारद जी ने ऋषिगण की आभगत करने का कार्यभार हनुमान जी को सौंपा, लेकिन इन सब में से राम के गुरु विश्वामित्र का सत्कार न करने को कहा। हनुमान जी इस रहस्य को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने नारद जी की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया, जिसके फल स्वरूप विश्वामित्र क्रोधित हुए और राम को हनुमान को मृत्यु दंड देने को कहा। गुरु की आज्ञा से विवश राम अपने प्रिय हनुमान पर प्रहार करना शुरू करते हैं, लेकिन नारद जी ने कहा था कि हनुमान आप चिंता मुक्त होकर राम नाम का जाप करें, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी ने इस आज्ञा का भी पालन किया। तब राम के ब्रह्मास्त्र समेत सारे अस्त्र विफल हो गए। यह सब देखकर गुरु विश्वामित्र ने राम से इस घटना का विस्तारण जाना और अंत में हनुमान जी पर से उनका क्रोध समाप्त हो गया और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया। दाधारी भीम का घमंड भी उतार दिया। श्री कृष्ण की कृपा छाया में पांचों पांडव धर्म युद्ध लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले उन्हें कौरवों ने खूब सताया। लाक्षाग्रह, वनवास और जुआ कपट इसी के हिस्से थे। वनवास के दौरान भीमसेन भाइयों से रुठकर घने जंगल की ओर भ्रमण करने निकल गए।
जहां रास्ते में एक वृद्ध वानर अपनी पूंछ पसारे बैठा था। क्रोध में आग बबूले भीम ने पूंछ उठाने को कहा। तब निर्बल वानर ने थकान और अपनी असमर्थता का हवाला देकर भीम को ही यह कार्य कर देने को कहा। भीम ने खूब हाथ पैर मारे, लेकिन वानर की पूंछ टस से मस नहीं हुई। अंत में भीम को यह भास हुआ कि वह कोई दिव्यात्मा है। भीम ने दर्शन देने को कहा, तब हनुमान जी ने अपना असल रूप दिखाया और पांडव पक्ष को विजय का आशीर्वाद भी दिया। अर्जुन का अहंकार भी हनुमान जी ने तोड़ दिया। अर्जुन एक बार रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ एक वानर श्री राम की भक्ति में लीन था। अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में मगन पार्थ ने बाण चलाया। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर इस कृत्य का कारण पूछा, तो अर्जुन बोले कि श्री राम तो धनुर्धर थे, उन्हें पत्थरों के पुल की आवश्यकता क्या पड़ी, बाणों का ही पुल बना लेते, पूरी सेना त्वरित गति से लंका जा पहुंचती। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हमारी सेना में ऐसे विराट और बलशाली योद्धा थे जिनका भार बाण का पुल नहीं उठा पाता, इसीलिए पत्थरों का पुल बनाया गया। इस बात पर अर्जुन ने दिव्य बाण चलाकर विशाल पुल का निर्माण कर दिया और वानर रूप में छिपे हनुमान जी को चुनौती दे दी। तब हनुमान जी उस पर चढ़े और बाणों का पुल भर भरा कर पानी में डूब गया। अंत में अर्जुन का अहंकार टूटा और हनुमान जी ने उसे दर्शन भी दिए। हनुमान ने शनिदेव को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। रावण अति बलशाली योद्धा था, उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, समस्त देवता भी उनके आगे हाथ बांधे खड़े रहते थे। लंका में जब हनुमान जी गए तो खलबली मचा दी थी। वही उन्हें रावण के कारागार में शनिदेव बंदी अवस्था में मिले। तब बजरंगबली ने अपने पराक्रम से उन्हें मुक्त करा लिया। इसी के फल स्वरूप उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से बजरंगबली की भक्ति करता है, वह शनिदेव उस पर प्रकोप नहीं लाएंगे, उसका अनिष्ट भी नहीं करेंगे। 6 महीने बाद हनुमान जीवित हुए। हनुमान जी अमर हैं, लेकिन उनकी भी मृत्यु हुई थी। राक्षस सहस्त्रा को मारने के लिए एक बार भगवान राम निकले। बहुत समय हुआ तो माँ सीता की आज्ञा पर हनुमान उन्हें खोजते हुए विलंका आए, जहाँ एक जादुई सरोवर था। ग्राम देवी के प्रभाव से वह विषैला था। जो भी व्यक्ति विलंका में शत्रुता की भावना से आता, उसके गले में ग्राम देवी बैठ जाती और प्यासा जीव सरोवर से जल पीता तब मारा जाता। हनुमान जी ने भी वही किया और जहर के प्रभाव मृत्यु को प्राप्त हुए। तब पवन देव ने क्रोध में आकर अपनी गति रोक दी। इस पर ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। अंत में देवताओं ने हनुमान जी को जीवित करने का वचन दिया। तब पवन देव शांत हुए। हनुमान जी के प्रकोप से कर्ण मरते मरते बचा। अर्जुन और कर्ण में भयंकर युद्ध चल रहा था। कर्ण के कुछ बाण श्री कृष्ण को भी लगे, जिससे उनका कवच टूट गया। यह सब देख हनुमान जी ने प्रचंड गर्जना की। उनके आग्नेय नेत्र कर्ण को ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी उसे भस्म कर देंगे। हनुमान जी की मुठ्ठियाँ कस चुकी थी, उनकी पूंछ काल बनकर हवा में लहराने लगी। यह सब देखकर कर्ण और उनके सारथी थर थर कांपने लगे। अंततः श्री कृष्ण ने हनुमान को शांत कराया और कर्ण की जान में जान आई। हनुमान जी ने रुद्र मंत्र से बंधे यमराज की बेड़ियां तोड़ दी। शिव भक्त रावण ने यमराज को रुद्र मंत्र की बेड़ियों से बांध रखा था और जो भी बिना अनुमति लंका में प्रवेश करे उसे पीठ पर लात मारने का आदेश दे रखा था। हनुमान जी के लंका में जाते ही यमराज ने उन्हें भी पीठ पर जोर की लात मारी और घमंड से कहा कि मुझे रुद्र मंत्र से बांधा गया है, इसीलिए मैं विवश हूँ। इसके अलावा मुझे कोई रोक नहीं सकता, शिव के बाद तो मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। इस बात पर हनुमान जी आगे बढ़े और उन्होंने रुद्र मंत्र वाली बेड़ियां एक